तो गाइज कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम गोल्ड शॉट 369 का पूरा रिव्यू करने वाले हैं। टाइमिंग, पोजीशन, लेंथ सब कुछ आपको बताने वाले हैं, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से मल्टीप्लेयर के अंदर। और गाइज ये वाला कमेंट देख लो भाई, लगातार बंदे कमेंट कर रहे थे। इन भाई का कमेंट 5 दिनों से आ रहा था, मतलब 5 दिन पहले इन्होंने कहा था। और भाई कभी कभी दिमाग से निकल जाता है तो बीच बीच में आप लोग अपने शॉट का याद दिला दो ताकि मैं उसका रिव्यू कर सकूं। तो गाइस सबसे पहले मेरे पास ये शॉट नहीं था, लेकिन भाई का कमेंट था तो मुझे किसी भी हाल में इसका रिव्यू करना ही था। तो मैंने चला अपने शॉट बुक के अंदर और शॉट बुक में मैं सबसे पहले तो इस शॉट को तलाश करने लगा। और तलाश करते करते फाइनली मुझे लास्ट के करीब जाके शॉट मिला 369। इसकी डिस्टेंस है गाइस जो 140 मीटर है, सबसे पहले देख लीजिए आपके सामने हमने इसे परचेज कर लिया है। परचेज हमारा सक्सेसफुली हो चुका है। अब गाइस हम बात करते हैं शॉर्ट मैप के अंदर इसकी डायरेक्शन का। तो देख लीजिए 2 o'clock पे गाइस आपको फ्रंट फुट से 369 वाला शॉट मिल जाएगा। गोल्ड शॉट है गाइस, आपको 8 फ्रेगमेंट चाहिए। हर वीक के गोल्ड फ्रेगमेंट कलेक्ट करके आप खरीद सकते हैं 8 दिनों के अंदर। 369 2 o'clock पे शॉट है, बस फ्रंट फुट पे है, सारे बैट्समैन के लिए अवेलेबल है लेकिन फ्रंट फुट पे ही बस। अब बात करते हैं कि किस किस लेंथ को ये शॉट कनेक्ट करता है। तो गाइज मैं पूरा प्रूफ के साथ आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यॉर्कर को आसान तरीके से कनेक्ट कर लेता है। यहाँ पे बात करते हैं फुलर लेंथ की तो उसको भी कर लेता है, कोई भी दिक्कत नहीं होता है गाइज लिटरली। आगे मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन ना लो। और यहाँ पे गुड लेंथ को भी कर लेता है, लेकिन शॉर्ट लेंथ के बॉल को ये कनेक्ट नहीं करता है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पोजीशन की। तो बॉल अगर अंदर आए तो भाई आपको 1 स्टेप की दूरी रखना है। बॉल सीधे रहे तो देख लीजिए मैं लाइन में हूँ बॉल के, और ये देखो बॉल भाई गई है तारामंडल में छक्के के लिए। और बॉल अगर बाहर निकले तो भी आपको भाई बॉल के लाइन में रह के खेलना है, बॉल से 1 स्टेप आगे भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये आपका पोजीशन है, कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट में पूछ लेना। अब भाई यहाँ पे टाइमिंग की बात करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। स्पिनर की धीमी गति की गेंद को आपको देख लीजिए यहाँ पे बिल्कुल हाफ पिच पे खेलना है, बिल्कुल मतलब पिचिंग से पहले खेलना है, हाफ पिच पे नहीं, एकदम मतलब कि पिच होने वाली होगी उसी टाइम आपको खेलना है। आप लोग समझ सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ। अब भाई यहाँ पे स्पिनर की तेज गति की गेंद को आप लोग देख लो, बिल्कुल हाथ से थोड़ी सी गेंद जब रिलीज हो जाएगी तब आपको खेलना है। लगभग हाफ पिच के करीब जब गेंद पहुंच जाएगी उस टाइम आपको खेलना है स्पिनर की तेज गति की गेंद को, स्पिनर की धीमी गति की गेंद को मतलब पिच होने से थोड़ी सी पहले आपको खेलना है। आप देख लीजिए यहाँ पे फास्टर की धीमी गति की गेंद को हाथ से गेंद थोड़ी सी रिलीज हो जाएगी तब आपको खेलना है। फास्टर की धीमी गति की गेंद को हाथ से गेंद थोड़ी सी रिलीज हो जाएगी तब आपको खेलना है। और फास्टर की तेज गति की गेंद आप लोग देख लीजिए अभी छूटने वाला है, छूटा नहीं है गाइस, छूटने वाला है, उसी टाइम आपको खेलना है, काफ़ी ज़्यादा अर्लियर खेलना है। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि फास्टर की अगर तेज गति की बॉल हो तो आप इस शॉट को ना खेले, बहुत ही ज़्यादा अर्लियर खेलना पड़ेगा, तब जाके भाई अच्छा टाइमिंग होगा। तो गाइस ये हो गया आपका टाइमिंग, पोजीशन, लेंथ सब कुछ हमने बता दिया है। फिर भी अगर कोई भी दिक्कत हो तो बिल्कुल आप आसान तरीके से कमेंट में पूछ सकते हैं। और मैं बता दूं कि ये स्पिनर की गुगली और कैरम को कनेक्ट नहीं करता है गुड लेंथ पे, याद रखना स्पिनर की गुड लेंथ पे कैरम और गुगली को कनेक्ट नहीं करता है। और गाइस ये आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है यार, बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में, तो 1 लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।